सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने बाय किया है कैरम पास। आज उसके रिवॉर्ड्स हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं। वैसे मैक्स तो मैंने पहले दिन रात को ही कर लिया था जब कैरम पास आया था, लेकिन बाय करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था और वीडियो बनाने के लिए भी कैरम पास की। सो आज फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है और आधा टाइम भी गुजर चुका है, तो कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो के ऊपर हम एम करते हैं 800 लाइक्स के लिए, तो आई होप आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा पाओगे। और यहाँ पर मैंने सबसे पहला रिवॉर्ड इमोजीज कलेक्ट कर लिया, उसके बाद 1000 कॉइंस, उसके बाद ये वाला बॉक्स है। मैं आपको एक प्रो टिप दे दूँ, ये जो बॉक्स इसके अंदर ब्राउज वाला मिलता है, इसके अंदर हमेशा ब्लेज स्ट्राइकर ही निकलता है। ये बात किन किन लोगों ने नोट की थी वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर एक गोल्डन शॉट मिल चुकी है, इसके अलावा एक अवतार मिल चुका है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके अलावा दोबारा से ब्लेज चेस्ट, सॉरी ब्राउन्स चेस्ट मिली है। सो देखते हैं क्या यहाँ पर भी, अभी हमें कॉइन्स यहाँ पर मिल चुके हैं, तो 1500 कॉइन्स मिल चुके हैं। और ये लेजेंडरी बॉक्स है, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। आई होप कोई स्ट्राइकर लेजेंडरी अगर इस कैरम पास के अंदर हमारा ओपन हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर नॉन पक्स जो हमारे अटके हुए थे काफ़ी दिनों से वो ओपन हो गए, और एक लेजेंडरी स्ट्राइकर के 4 पीसेज ओपन हो गए। इसके अलावा ये 10 जेम्स हो गए। और यहाँ पर ये बॉक्स है दोबारा से ब्राउन्स, तो इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं निकलने वाला, बस हमें जो मतलब कि थोड़ा बहुत आसरा है वो है लेजेंडरी स्ट्राइकर से बस। सो यहाँ पर 2500 कॉइन्स, 15 जेम्स, इसके अलावा ये फ्रेम। गाइज, आप लोग यकीन करोगे मैंने ये कैरम पास सिर्फ और सिर्फ फ्रेम के लिए ही बाय किया है। मुझे फ्रेम इसका इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने ये वाला कैरम पास बाय कर लिया। सो आप लोगों में से किस लोग ने ये वाला सीज़न रॉयल सीज़न बाय किया है वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और यहाँ पर एक प्रो चेस्ट मिला है ब्राउन्स का, तो इसके अंदर देखते हैं, कुछ खास तो नहीं निकला यार। दोबारा से ब्राउन्स का चेस्ट है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों कहा इसके अंदर वैसे भी कुछ नहीं निकलता। तो यहाँ पर हमें 3500 कॉइन्स मिल चुके हैं, और इसके अलावा 20 जेम्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और लेजेंडरी स्ट्राइकर है, आई होप फिर भी उसी स्ट्राइकर के पीसेज ओपन हो जाए तो फिर हमें उम्मीद होगी थोड़ी सी ओपन होने की। तो यहाँ और भाई फिर भी उसी के ही पीसेज निकले हैं, तो उम्मीद तो है इस स्ट्राइकर के निकलने की, फिर भी वेट कर लेंगे, देखते हैं क्या हमारे पास ये ओपन हो पाएगा या नहीं। सो यहाँ पर अभी यहाँ पर 4000 कॉइन्स, 25 जेम्स और एक सिल्वर चेस्ट है। अभी मेरे ख्याल से आगे सिल्वर चेस्ट आने वाली है, तो भाई जो भी आ जाए हमें क्या करना है। ये रहा भाई, सामने ही ब्रॉन्ज चेस्ट रखा हुआ था बस, और क्या। तो चलिए भाई लोग, यहाँ पर हमें फिर से 4500 कॉइन्स मिले हैं। इसके अलावा एक और लेजेंडरी स्ट्राइकर है, आई होप फिर भी उसी स्ट्राइकर के पीसेज निकल जाएँ तो मज़ा आ जाएगा भाई, फिर हमारी उम्मीद बढ़ती जाएगी। तो नहीं यार, एक और स्ट्राइकर के पीसेज, चलो कोई बात नहीं। चलो अभी यहाँ पर मैं इमोजी को कलेक्ट करता हूँ, इमोजीज भी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई इस कैरम सीज़न की। तो यहाँ पर एक और सिल्वर चेस्ट है, देखते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। और अभी यहाँ पर 30 जेम्स कलेक्ट करते हैं, और एक और गोल्डन शॉट है यहाँ पर, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और ये सिल्वर चेस्ट है इधर, इसको भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो कुछ खास नहीं निकला इसके अंदर भी, मतलब कि कुछ नई चीज़। इसके अलावा यहाँ पर हैं 5000 कॉइन्स और 35 जेम्स के साथ फिर एक और लेजेंडरी स्ट्राइकर। सो देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या कुछ मतलब के निकलता। और भाई यहाँ पर मेरे पक्स, सो गाइज यहाँ पर मैंने नॉन पक्स ओपन हो चुके हैं, और यहाँ पर शील्ड स्ट्राइकर के पीसेज निकले हैं जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। यहाँ पर मेरे सिल्वर चेस्ट, यहाँ पर फिर से सिल्वर चेस्ट के अंदर कुछ नहीं निकला। यहाँ पर मैं कलेक्ट कर लेता हूँ 15000 कॉइन्स, यहाँ पर 35 जेम्स, इसके अलावा यहाँ पर दोबारा से 35 जेम्स के साथ अभी गोल्डन चेस्ट की बारी है भाई लोग। यहाँ पर गोल्ड चेस्ट को यहाँ पर देखते हैं क्या निकलता है, कुछ नई चीज़ भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी गलती से। इस इमोजी को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 20000 कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, उसके अलावा 40 जेम्स हो गए, फिर नीचे गोल्ड बॉक्स आ गया, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कुछ नई चीज़। आई होप यार, हम लोग बार बार मतलब कि क्या कहें बस, अभी इसको अभी प्रो सिल्वर प्रो चेस्ट है यहाँ पर, मास्टर चेस्ट, कुछ भी नहीं निकला भाई, कुछ भी।
मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर अवतार को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं ग्रैंड मास्टर चेस। आई होप हमारा कोई लेजेंडरी स्ट्राइकर ओपन हो जाए, बस सिर्फ एक लेजेंडरी स्ट्राइकर। Hey, that's pretty good. सो गाइज यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे तीन रिवॉर्ड्स कौन से बच गए हैं। और अच्छा, हमने एक अवतार कलेक्ट नहीं किया, दो और भी रिवॉर्ड्स हैं। तो ये रहे भाई, ये हमने कैसे नहीं मतलब के देखा यार, समझ नहीं आ रही मुझे बात। तो चलो कोई बात नहीं, इन तीनों को अभी हम लोगों ने कलेक्ट किया और इनमें से एक सिल्वर चेस्ट भी था। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हमारे पास जो स्ट्राइकर्स निकलते हैं उनको एक मरतबा देखते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्राइकर को अपग्रेड करते हैं। यार ये कॉइंस काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं सारे स्ट्राइकर भाई, यकीन करोगे आप लोग, सामने देख पाओगे। और यहाँ पर मेरे स्ट्राइकर काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल पर हैं मेरे सारे स्ट्राइकर्स। आप लोग मेरे दो स्ट्राइकर मैक्स हो चुके हैं। और इसके अलावा देखते हैं और कोई अपग्रेड हो रहा है क्या। अच्छा, दो और स्ट्राइकर हैं नीचे, इनको भी अपग्रेड कर लेते हैं सबसे पहले। सो इसको भी अपग्रेड करने के बाद लास्ट स्ट्राइकर बचता है, उसको भी अपग्रेड करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास जो मतलब के यहाँ पर मैं आपको बाकी के जो लेजेंडरी स्ट्राइकर निकले थे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। निकले नहीं थे बल्कि उनके कुछ पीसेज ओपन हुए थे, तीन स्ट्राइकर के थे, जिनमें से एक शील्ड था, एक पता नहीं कनेक्ट था और एक क्या नाम है ऊपर, ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो वैसे ये जो मेरे 12 पीसेज जिसके ओपन हुए, ये कोई खास स्ट्राइकर तो नहीं है बट इसका नाम लेजेंडरी में ज़रूर शुमार होता है भाई। इसके अलावा पक्स में हमारे जो नॉन पक्स निकले थे वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई जाहिर से बात है अब निकले हैं तो यूज़ तो करेंगे। अभी हम प्रोफाइल में चलते हैं, यहाँ पर अवतार्स भी हमें मिल चुके हैं सारे। फ्रेम्स में मैं अपना ये वाला फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ और अवतार्स में मैं ये वाला अवतार यूज़ करके देखता हूँ। तो यहाँ पर तो गाइज यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कैरम पास बाय किया, सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट किए, मुझे क्या क्या मिला आप लोगों ने सारा वीडियो में देख लिया है। सो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी से बताना है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।